हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजशेखर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चन पेपर के बारे में, है ना। एमए इंग्लिश सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। फ्रेंड्स, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का तो क्वेश्चन पेपर है ही, प्लस जो पटना यूनिवर्सिटी है उसमें भी क्वेश्चन पेपर यही सेम होती है, क्योंकि दोनों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है। आप जब वेबसाइट पर जाइएगा, आप पाटलिपुत्र वेबसाइट पर, तो उसका भी सेम आपको शो करेगा वेबसाइट पर, और पटना यूनिवर्सिटी पर जाइएगा उसका भी सिलेबस आपको सेम ही शो करेगा। तो आप देख सकते हैं एमए का क्वेश्चन पेपर जो है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है। और साथ साथ बिहार के और सब यूनिवर्सिटी में भी आप जब आप सिलेबस मैच कीजिएगा, तो लगभग पूर्णिया यूनिवर्सिटी जैसे है और एक आध दो है, तो आपको सेम ही मिलेगा। चलिए हम लोग फ्रेंड्स, आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से आती थी। ये सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है, तो मेरे पास आ चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पोएट्री, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स। 30 मार्क्स जो है आपको कॉलेज प्रोवाइड करती है इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से, और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, ऑल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, पहला है ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 110 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन ईच मार्क्स, 1 क्वेश्चन है ना, 1 नंबर। वो कंपोज द पोएम द वेस्ट लैंड, तो टी एस सीरेट के द्वारा कंपोज किया गया है, ठीक है ना, पोएट्री का होगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं हम लोग। अब देखिए, टी एस इलेट वॉज बॉर्न ऑन, देख सकते हैं आप लोग, 26 सितंबर 1888, ठीक है। द सेकंड कमिंग हैज़ बीन कम्पोज बाई डब्ल्यू बी एट्स, देख सकते हैं आप लोग। व्हाट मैथिकल क्रिएचर्स डस लेडी लैज़रस कंपेयर हरसेल्फ टू अ फीनिक्स, देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेंड्स, हाँ ये रहा थर्ड पेज, देख सकते हैं आप लोग। हु कंपोज द पोएम चार्ज गोइंग, फिलिप लार्किन। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो है ये पहले आप देखिए, है ना। 3 पे हम लोग आ गए हम लोग, तो मतलब नहीं बनता कोई भी वीडियो लंबा करके, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन आप देख के आप पढ़ सके, समझ सके और प्रिपेयर कर सकते क्वेश्चन। जैसे आप अप्रैल इज द प्लेस्ट मंथ, हम लोग पढ़ सके हैं, द वेस्टलैंड की है ये, स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग लाइन से। चलिए फोर्थ के बाद हम लोग अब चलते हैं 5th पेज पर, हाँ ये रहा 5th पेज। अब देखिए हम ग्रुप बी में आ गए। ग्रुप बी में क्या है, आपको आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 6 × 4 = 24, है ना, कोई 4 करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई आपको 4 करनी है, ठीक है ना। 6 मार्क्स ईच 24 मार्क्स, ठीक है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द वेस्टलैंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिसइल्यूशनमेंट ऑफ द पोस्ट वार जनरेशन, ठीक है ना। देख सकते हैं डब्ल्यू बीट्स एज अ पोएट, है ना, तो इसमें से कोई, तो देखिए इसमें से वेस्टलैंड आपको तो मस्ती पढ़नी है, तो वेस्टलैंड का बना लीजिए, डब्ल्यू बीट्स ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सेल्विया प्लैथ्स पोएम मिरर ये पढ़ लीजिए, ऑर्डन का पोएम पढ़ लीजिए, है ना। ये 2-3 जो है ना प्रिपेयर कर लीजिए, उतने काफ़ी रहेगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1000 वर्ड्स लिखना है, और सेक्शन बी में आपको है जो है ना कम से कम आपको 500 वर्ड्स, लिखा हुआ नहीं लेकिन आपको 500 वर्ड्स में कम से कम लिखना है। और यहाँ पे जब सेक्शन 3 में हम लोग आ गए, तो 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स में करना है हमको। 3 × 12 = 36, यानी कि 12 नंबर का 3 क्वेश्चन हम लोग करना है, ठीक है। देखिए, अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम अ कोट और अमंग स्कूल चिल्ड्रन, इसमें से कोई करनी है, ठीक है। 5 पेज हो गया ये, और हम लोग आते हैं 6 पेज में, तो हो गया ये 5 और ये लास्ट पेज 6, है ना। डिस्क्राइब द वेस्टलैंड एज अ मॉडर्न पोएम, अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिशिएशन, सीमस हेनिस पोएम द रेलवे चिल्ड्रन और ड्रीम ऑफ जेलेसी, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। वैसे पोएम है टेड हिगिन्स, डब्ल्यू एच ऑर्डन की, तो 2-3-4 पोएट है उसकी पढ़ लीजिएगा, दैट्स इनफ। सिलेबस पे जाइए, देखिए सब समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने ग्रुप में कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए। चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय।